चलिए बनाते हैं पपाया डिलाइट। तो इसको बनाने के लिए हमको चाहिए हमारे पपीते। तो ये करीबन आधा किलो होंगे। कट करने के बाद मैंने इनको बहुत बारीक पीस लिया। इसमें डाल रही हूँ 1 कप शुगर, 1/3 कप कस्टर्ड पाउडर, 4 से 5 टेबल स्पून दूध डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है। कोशिश कीजिएगा कि चीनी जो है वो यहीं पर घुल जाए। इसके बाद इसको पैन में डाल के नॉन स्टॉप चलाना है और हमें घी बहुत सारी डालनी है। बहुत सारी घी का मतलब मेरा ये है कि 4 से 5 टेबल स्पून भर भर के। इसके बाद जब साइड एकदम से छोड़ दे, ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में मगज़ ज़रूरी डालना है क्योंकि इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा लगता है। किसी भी मोल्ड में बटर पेपर लगा के इसको सेट कर लीजिए। आधे घंटे के बाद इसको कट कर लीजिए। पता है मुझे आप लोगों ने बहुत सारी डिलाइट्स देखी होंगी, इनफैक्ट खाई भी होंगी। एक बार इनको कस्टर्ड के साथ बना के देखिए, मुझे यकीन है आप लोग कॉर्नफ्लोर वाली डिलाइट्स खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। ऐसे ही मज़ेदार और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए।